हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ सुमानसी सहगल। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी एक सुंदर सा हेयर स्टाइल, जिसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि टीका को सेट कैसे किया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने सेंटर पार्टिंग करके जो पीछे के बचे बाल थे, आगे के बालों को ईयर टू ईयर सेपरेट कर दिया। फिर पीछे के बालों को हमने एक बंजी बना के एक टेल बना दी। इस तरीके से पिन को खोल के बालों के अंदर डालेंगे और रबर बैंड को हम दूसरी तरफ से निकाल के पिन में अटका देंगे। इस तरीके से हमने एक पोनी टेल बना दी। अब हम जो मांग टीका है, ये इसके बीच में हम लोग थ्रेड लगा रहे हैं ब्लैक कलर का, ताकि वो लंबा पीछे तक जाए। तो सबसे पहले हम चेक कर लेंगे कि हमें किस तरीके से लगाना है। जब फ्रंट से बिल्कुल सीधा हो जाए, तब पीछे की साइड हम लोगों को इस ब्लैक थ्रेड को दो बॉबी पिन से सेट करना है। तो हम जो टीका है वो सबसे पहले लगा लेंगे, ताकि जो स्टाइलिंग है उसे करने में हमें प्रॉब्लम ना हो। इस तरीके से मैंने डोरी के ऊपर दो पिन्स को लगा दिया। अब जो बची हुई थ्रेड है, इसको भी मैं इन पिन्स के ऊपर ही लपेट दूंगी, ताकि बिल्कुल ये सिक्योर हो जाए, आपका टीका बिल्कुल भी लूज ना हो। इस तरीके से आप डोरी को भी पिन के आसपास लपेट देंगे अच्छे से। अब आप कुछ भी करेंगे तो आपका टीका हिलेगा नहीं। पोनी मैंने मिड में बनाई हुई है। अब सबसे पहले मैं फ्रंट स्टाइलिंग करूंगी। इसके लिए मैं फ्रंट के सेक्शन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट सेक्शन लिया और उस पर इनर साइड में हम लोग बैक कॉम्बिंग करेंगे। सेक्शन थोड़ा स्लाइड करता हुआ ए में लेना है। बैक कॉम्बिंग करके ट्विस्ट करेंगे। और उस पर लाइंस को क्रिएट करेंगे। अभी ब्राइडल हेयर स्टाइलिंग में ये वाली स्टाइलिंग बहुत ट्रेंड में है, तो अगर आप अच्छे से इस वीडियो को देखेंगे तो आप इस स्टाइलिंग को आराम से समझ लेंगे। अब सेकंड सेक्शन लेंगे। सेक्शंस इक्वल होने चाहिए, थोड़े स्लाइड करते हुए ए के डायरेक्शन में आने चाहिए। स्टिक्स जो लाइनिंग है उसको मैं और क्लियर कर रही हूँ। नेक्स्ट सेक्शन लेंगे, उसको भी हम इन साइड से बैक कॉम्बिंग करके इन साइड में ही फोल्ड करेंगे। बस एक ट्विस्ट करना है हमको और जूड़ा पिन लगा देनी है, ताकि हम जब लाइनिंग करें तो इजीली वो स्ट्रेच हो जाए। जूड़ा पिन से होल्ड कर देंगे इस लेयर को और फिर पतली पतली लाइनिंग कर देंगे इसके ऊपर भी। अब हमारा थर्ड एंड लास्ट सेक्शन है। इसमें अगर हम चाहें तो आगे से एक फ्लिक भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैंने निकाली है। अब बैक कॉम्बिंग की और बैक कॉम्बिंग के ऊपर स्प्रे करके उसको फिक्स कर दिया। क्लीनिंग करी बाल की अच्छे से, ट्विस्ट किया और जूड़ा पिन से इसको होल्ड कर दिया। अब लाइंस को क्लियर कर दिया। इस तरह से हम एक एक लाइन को स्ट्रेच करते जाएंगे और इन पे होल्डिंग स्प्रे डाल के इनको स्टे कर देंगे। देखिए, एक साइड की हमारी स्टाइलिंग कंप्लीट हो गई। अब हम इस वाले जो साइड वाला मांग टीका है, इसको पिनअप कर देंगे, इसकी ये वाली लड़ी को। अब जहाँ जहाँ मैंने जूड़ा पिन लगाई थी, वहाँ वहाँ मैं बॉब पिन्स लगा रही हूँ, ताकि जो होल्ड है हेयर्स का वो अच्छा हो जाए। इसी तरह से हम लोग लेफ्ट साइड में आ जाएंगे और वहाँ से भी एक ए सेक्शन निकालेंगे, स्प्रे करेंगे, बैक कॉम्बिंग करेंगे और उस हेयर को ट्विस्ट करेंगे। ट्विस्ट करके लाइंस को उसके ऊपर डालेंगे हम लोग।
दोनों साइड की लाइंस को चेक कर लेंगे, लगभग एक जैसी होनी चाहिए। स्प्रे करके सेट करेंगे बालों को। अब उसके बाद सेकंड सेक्शन निकालेंगे। इस पे भी स्प्रे करके हम लोग बैक कॉम्बिंग करेंगे। हेयर्स को क्लीन करेंगे। देन ट्विस्ट। बहुत क्लीनिंग के साथ हम लोग स्टाइलिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट हमारा दिखता है इसलिए बहुत अच्छे से करेंगे हम लोग। जूड़ा पिन से सिक्योर करके अब मैं इस पर लाइंस डालूंगी। स्प्रे से सेट कर देंगे। बैक कॉमिंग करेंगे। ये लास्ट सेक्शन है हमारा, इसके बाद हम लोग बैक में वर्क करेंगे। बैक कॉमिंग करके हेयर्स को ट्विस्ट किया। अब लाइंस इसके ऊपर डालेंगे हम लोग। अब होल्डिंग स्प्रे से इसको स्प्रे करके अच्छे से छोड़ देंगे। अब इसके बाद हम लोग इस साइड से भी डीके को पकड़ेंगे, इस वाले लेयर को, और इसको भी पीछे ले जाके कान के बॉबी पिन से हम लोग इसको भी सिक्योर कर देंगे। चेक कर लेंगे टीका जो है वो बिल्कुल सेंटर में हो। हम लोग हमेशा दो पिन्स लगाएंगे टीके में। देखिए फ्रंट स्टाइलिंग बहुत ही सुंदर हुई है। अब हम लोग बैक में आ गए। बैक में जो ऊपर वाली स्टाइलिंग में बचे हुए हेयर्स थे उन पे मैंने रबर बैंड लगा दिया है, और उन हेयर्स पे मैं बैक कॉम्बिंग करूँगी। बैलेंसिंग बैक कॉम्बिंग करके मैं स्प्रे कर दूँगी। और इसको एक रैंडमली जूड़ा बना देंगे हम लोग, ताकि इसके ऊपर हम लोग स्टफिंग को सेट कर सकें। इस तरह से जूड़ा बना के मैं इस पर यू पिंस लगा रही हूँ। अब जो नीचे बचे पोनी के बाल थे उनको भी मैं बैक कॉम्बिंग करके इसके ऊपर सेट करती जाऊंगी। अब स्टफिंग लेके हम लोग स्टफिंग को, जो जूड़ा बनाया था इसके ऊपर स्टफिंग को लगा देंगे।
स्टफिंग को भी अच्छे से यू पिन से हम लोग सेट करेंगे। अब जो बैक कॉमिंग करे हुए बाल थे, राइट साइड के बालों को लेफ्ट में लाके पिनअप करेंगे और लेफ्ट साइड वालों को राइट में ले जाके पिनअप करेंगे। स्प्रे डाल के क्लीनिंग करते जाएंगे हेयर्स की और साइडों में यू पिन से इसको सेव करेंगे। अब यहाँ पे मैं बॉबी पिन लगाऊंगी स्टफिंग के ऊपर। फ्रंट में थोड़ा आपको टाइम लगेगा बट जो बैक है वो बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है। ब्राइड्स का काम जल्दी करना होता है इसलिए हम लोग ऐसा वाला जूड़ा जो प्लेन होता है वो बना सकते हैं। जूड़ा पिन अच्छे से लगाएंगे क्योंकि इस जगह पर हमारा दुपट्टा भी सेट होना होता है, तो ये जगह हमको बहुत क्लीनिंग के साथ मतलब अच्छे तरीके से पिनअप करनी है ताकि बिल्कुल भी जूड़ा जो है वो लूज़ ना हो। हेयर्स को क्लीन करेंगे और दो बॉबी पिन यहाँ पे लगा देंगे। बॉब पिन लगाने के बाद जो बचे हुए बाल हैं इनको कॉम करके हम लोग सेट कर देंगे बाकी बालों में। इस तरह से सारे बालों को हम सेट कर देंगे, स्प्रे कर देंगे इसके ऊपर। स्प्रे करने के बाद बिल्कुल प्लेन जूड़ा है, अब हम इसके ऊपर फ्लावर्स लगा सकते हैं। तो जहाँ जहाँ आपको लगता है पिन ज़्यादा है उस साइड पे हम लोग फ्लावर्स का यूज़ करेंगे। इस तरह से हम लोगों ने बैक साइड में फ्लावर्स लगा दिए हैं और इस तरह से हमारी ये हेयर स्टाइल और टिक्का कैसे लगाया जाता है ये वीडियो हमारी ख़त्म हो गई। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।